निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सुधार के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां के दलित महादलित देश की आज़ादी के 74 साल बाद भी मताधिकार से वंचित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के हसौली पंचायत के तेलियाडी गाँव की। यहाँ के वोटरों ने इस बार हो रहे पंचायत चुनाव में एक बार फिर वोट देने से रोक दिए जाने की आशंका जताई है। महादलितों का आरोप है कि प्रायः हर चुनाव में इलाके की दबंग जाति के लोग उन पर अपने मन माफिक उम्मीदवार को वोट देने का दबाव बनाते हैं और जब उन्हें लगता है कि वे उनके पसंदीदा प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे तो उन्हें वोट देने से रोक दिया जाता है। इसके लिए वे कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और शासन प्रशासन की नज़र में इस कृत्य को नज़र नहीं आने देने के लिए उन्हें बूथ से काफ़ी दूर पहले ही डरा धमका कर खदेड़ दिया जाता है। यहाँ के वोटरों की मांग है कि उनके गांव में ही बूथ बनाया जाए ताकि वे आसानी से मतदान के पर्व में हिस्सा ले सके। ऐसे में देखना यह होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में क्या प्रबंध किए जाएंगे जिससे कि यहाँ के दलित और महादलित पंचायत चुनाव में भाग ले सकें और अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट कर सके ताकि पंचायती राज व्यवस्था में भी लोकतंत्र का झंडा बुलंद रह सके। गाँव में इन लोग के पहले तो नंबर नहीं लगने दिया जाता है, वोट देने में आई बाई करते हैं उन लोग, नंबर में इन लोग के आना ही नहीं देता है। इसलिए कि बूथ उन लोग का गांव पर है, इन लोग जाकर के वहाँ तो मार कर नहीं सकता है सर, और नहीं तो उल्टे मार करने के लिए भी उन लोग तैयार हो जाता है। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सर यहाँ अगर बूथ हो जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। सब दलित लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं सर, रहित बुगुल जाति की आबादी है इस गांव पर। आपकी क्या स्थिति है? अब देखिए अभी क्या होगा सर, दबंग लोग है ये हैं, हो सकता है कि घटना कुछ घट जाए इलेक्शन में। वोट लिए वहाँ जाए थे हमने के वोट ना रहुआ देवे देवे है था वहाँ, हाँ धमकी हो गए या वोट नहीं देंगे वहाँ जाइए आप, वोट नहीं आए चला जाइए जैसे आया है तैसे ही। यहाँ चाहता है तेलियाडी में वोट के एक जो बूथ जो पड़ा हुआ है दूसरे गांव में सर, हम लोग वहां पर जाते हैं सर, मारपीट बहुत उन लोग करते रहता है इन टाइम। हम लोग को भी नहीं लगता है कि सर तुम हर जगह हर जन कास्ट के आदमी हो, निजात का आदमी हो, तुम लोग सब क्या डर भाव है कुछ नहीं जानते हैं, तो मारपीट देंगे हर तरह की बात करता रहता है। हम लोग को बूथ वहाँ से मसर क्लियरिटी में आना चाहिए और इस स्तर पर हम ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह की दुर्घटना अगर इलेक्शन हो सकता है ना तो मारपीट हो सकता है, तो फिर कुछ हम लोग का बचाव होना चाहिए। उन लोग दावा करता है कि इलेक्शन में हम तुम लोग मारेंगे। क्यों मारेंगे? इसे मारपीट इलेक्शन में महसूल करेंगे मारपीट करके। हम लोग बूते ही है, तुम लोग मारपीट से लेकर करेंगे, तुम लोग हजन जाती हो नहीं जाती हो, हम लोग तुम लोग कुछ नहीं समझते हैं।